दोस्तों ये गाड़ी है मैजिक मंत्रा, इसमें चेक लाइट आ रही है और गाड़ी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिसिंग नहीं है, ये आप देख सकते हो। सिर्फ मेन प्रॉब्लम है इसमें चेक लाइट का आना। मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ। ये गाड़ी का कंपार्टमेंटल जितना भी है हमने बाहर खोल के रख लिया है। सिर्फ मेन मकसद है, मेरे को काफ़ी कॉल आती हैं कि भाई ये फॉल्ट हुआ है, एक केम शाफ्ट का आता है, क्यों आता है? तो पीछे ये हमें प्लीज़ हमें बताइए, तो हम बताते हैं कि इसमें ऐसे करो ऐसे करो तो आपका मसला जो है हल हो जाएगा। और ये जो भाई है इन्होंने टाइमिंग बेल्ट डलवाई थी तो ये फॉल्ट आ गया था चेक लाइट का। तो चलो मैं गाड़ी आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके। स्कैनर जो है आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। ये एक्स टूल PS70 Pro जो स्कैनर है ये मैंने इसमें लगा दिया है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको फॉल्ट क्या है इसमें। गाड़ी करता हूँ स्टार्ट। तो गाड़ी कर ली हमने स्टार्ट, ये आ गई इसकी चेक लाइट, गाड़ी स्टार्ट है, कोई स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखना इसमें, री ट्रबल कोड किया तो ये फॉल्ट आ गया, P0341 केम शाफ्ट ऑफ सेट एंगल एक्सीडेड, ये आ गया कन्फर्म है। ठीक है, ये कभी कन्फर्म हो जा रहा है, कभी मेमोरी में चला जा रहा है। तो ये चेक लाइट जो है ये आ रही है। जैसे हम इसको करेंगे यहाँ से डिलीट, क्लियर करेंगे, ये क्लियर सक्सेसफुली, तो चेक लाइट 2 मिनट के लिए जाता है तो ये फिर से आ गई। पर इधर से हमने क्लियर कर दिया, फिर रीट्रेवल कोड, ये मेमोरी में चला गया। आप देख सकते हो पहले कन्फर्म में था, मेमोरी में चला गया। फिर करते हैं क्लियर, ये फिर से आ गया। हम करेंगे इसमें ECU रीसेट, ये इंजन जो है ऑफ हो जाएगा, ये बंद हो गया इंजन, लेकिन ये फॉल्ट जो है अभी भी नहीं गया। फिर हम क्लियर कर देंगे, फिर गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। ये जैसे चेक लाइट अभी चली गई है वो फिर आ गई है, तुरंत जाती है, तुरंत आ जाए। फिर देखना इसमें मेमोरी में केम शाफ्ट ऑफ सेट एंगल एक्सीडेड आ गया इसमें। तो पहले तो भैया आपको नमस्कार, तो करते हैं हम आपसे एक काम की बात। इन्होंने भैया ने टाइमिंग बेल्ट डलवाई थी, अभी तक हमने खोला नहीं है इसको, खोल के आपको बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये जो है ये टाइमिंग रॉन्ग का सिग्नल है, टाइमिंग रॉन्ग मतलब कि इसमें दो प्रकार की केम में सेटिंग होती है। इसमें जो केम का गुटका है जो केम सेंसर को सेंस करता है वो अपोजिट नहीं है, उसमें यो है कि क्रैंक का अलग है, केम का अलग है, फिर ये फॉल्ट जो है आपका आ जाता है। तो चलिए गाड़ी को करते हैं। हाँ जी, तो गाड़ी को खोलते हैं फिर करते हैं इसको सेट, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉल्ट जो है मेमोरी गया कि नहीं गया और चेक लाइट इसकी गई कि नहीं गई। तो ये इसका टैपेट कवर खोलने जा रहे हैं हम। पहले इसकी टाइमिंग कवर खोलेंगे, मैं बताऊंगा आपको इसमें टाइमिंग बेल्ट न्यू डली है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 3 से 4 दिन हुए होंगे, पर इसमें चेक लाइट का जो सिग्नल वो आ गया, क्योंकि इन गाड़ियों में स्कैनर की बड़ी ज़रूरत होती है, बिना स्कैनर के आप काम नहीं कर सकते हो। कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, पर जो मेन फॉल्ट है वो जड़ तक नहीं पहुंच सकते हो विदाउट स्कैनर के, क्योंकि ये न्यू जनरेशन की गाड़ी है, इनमें स्कैनर होना और मैकेनिकल का न्यू अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे एक तो ये इसका टाइमिंग का एडजस्टर जो है ये ख़राब था, ठीक है, इससे क्या था, बेल्ट जो है अंदर से गाड़ी खा रही थी, किसी ने टाइमिंग बेल्ट न्यू डाली है इसकी, पर मैकेनिकल ने, ये देखो इसमें कितना कचरा है, ये जो है इसकी अलाइनमेंट को आउट कर देता है, ठीक है। और जैसे हमने टाइमिंग नीचे से लॉक की 12 नंबर बोल्ट से, ये देखो अंदर से बेल्ट घिसना स्टार्ट हो गई थी, ये 3 से 4 दिन हुआ अभी इधर। तो ये देखो यहाँ से हम लॉक करते हैं इंजन को, जैसे ही अभी मैंने एल की पूरी फसा रखी है, पर ये पहले एक दंदा जो उसका दांता था वो आउट था, ठीक है, जब ये एक दांता भी आउट होगा तो गाड़ी जो है टाइमिंग रॉन्ग कर देगी,
चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ऐसे सिर्फ चेक लाइट दे देगी। तो उसकी बेल्ट खोली है, इसका एडजस्टर हमने न्यू डाल दिया है, सेम गेट्स कंपनी का NSK का बेयरिंग आता है गेट्स का, वो हमने डाल दिया इसमें। इसको जब भी आप टाइमिंग करो इसकी, तो यह इसको पूरा बिठा के, ये नीचे हल्की इसकी बिठा के, इसमें होल है देख सकते हो, फिर करो। पहले मैं अब दिखाया नहीं, लेकिन ये एक धंधा जो था आउट था, मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें बाकी। तो स्टार्ट करके इसमें फिटिंग करूंगा बेल्ट को, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। जब इसकी टाइमिंग बेल्ट चेंज करो, इसका जो एडजस्टर बैरिंग है ये न्यू ज़रूर डालना, क्योंकि अगर ये नहीं डालोगे तो उसकी टाइमिंग बेल्ट जो है अंदर से घिसना स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइमिंग इसकी बांध दी हमने, यहाँ से ला करनी है, तो नीचे से एडजस्टर का चेंज कर दिया। ये बोल्ट जो आपको ढीला कर लेना है, क्योंकि गरारी का एडजस्टमेंट आगे पीछे करनी पड़ती है। बाद में इधर 24 नंबर की चाबी डाल के, ठीक है, यहाँ पे 24 नंबर की चाबी डाल के इसको खींच के रखना है, बाद में इसको फुल टाइट कर देना है। तो टाइमिंग, मेरा मकसद टाइमिंग दिखाना नहीं है, टाइमिंग हर एक मैकेनिकल को होता है, सिर्फ मेन फॉल्ट ये होता है इसमें, जो फॉल्ट आता है KM सेट ऑफ एंगल एक्सीडेड का, ऑफसेट एंगल एक्सीडेड का, इसके रिलेटेड। क्योंकि मेरे को काफ़ी फ़ोन आते थे कि ये फॉल्ट वही किसका है, तो लोग इसके चक्कर में KM सेंसर भी चेंज कर देते थे, वायरिंग को भी, ECM को भी तक चेंज करके देख लेते, पर ये जो फॉल्ट था ये ठीक नहीं होता था। तो ये फॉल्ट जो है ये है, आपका मसला जो है हल हो जाएगा। मेरे साथ भी 2 से 3 बार ऐसे हो चुका है पहले, पर जैसे हमने इस पर काम किया तो हमने देखा फॉल्ट यहीं पे है। इसका एक दांता भी आगे पीछे होगा तो गाड़ी आपकी मिसिंग नहीं करेगी टाइमिंग, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम चेक लाइट की आ जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी अभी बताता हूँ फिट करके। तो दोस्तों ये बेल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे चल रही है अभी, तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। करो स्टार्ट भाई। पहले चेक लाइट आ जाती थी, जैसे अभी ये 2 आ रही है, स्टार्ट करने पे आ जाती थी, अभी देखो बंद हो रही है। जैसे स्टार्ट करेंगे ये कर, तो ये चेक लाइट इसकी अभी नहीं आ रही। बेल्ट भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही चल रही है, क्योंकि पहले क्या था, ये बेल्ट जो पीछे रख के चलती थी गाड़ी से, तो बेल्ट जो थी घिसी जा रही थी, क्योंकि किसी ने टाइमिंग बेल्ट चेंज कर दिया, एडजस्टर चेंज नहीं किया था, तो टाइमिंग भी और बांधी थी, तो जिससे ये प्रॉब्लम गाड़ी कर रही थी। तो मैं मैकेनिकल भाइयों से यही कहूँगा कि जैसे जब भी काम करो गाड़ियों का, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कस्टमर ने खर्चा करना होता है तो वो टेंशन नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से काम को अधूरा ना छोड़ा करें, ताकि ये जो काम है ये 2 से 3 चार के बीच में हो जाता है। मतलब कि बेल्ट और इसका जो एडजस्टर बैरिंग जितने हैं चेंज हो जाते हैं, लेकिन आप पैसे बचाने के चक्कर में उनका उनको टाइम वेस्ट और अपना भी टाइम वेस्ट और कस्टमर का नुकसान ना किया करें। ये था छोटी सी प्रॉब्लम गाड़ी में चेक इंजन लाइट आने की। तो हमने क्या किया, एक जे चेंज कर दिया और इसकी टाइमिंग पीछे से आउट थी, एक 30 इसका टाइमिंग का आउट था। ये जैसे ये देखो, जब किसी ने, चलो ठीक है, ये मैं मानता हूँ एडजस्टर नहीं चेंज किया, पर इसको क्लीन तो अच्छे से कर लो भाई। ये देखो अंदर कितना टाइमिंग बेल्ट का जो कचरा है फंसा पड़ा है यार, ये तो चेंज कर सकते हो ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स।